So let's keep riding, or let's keep testing the gear and see how well it will perform. अगर आगे जाके और ज़्यादा बारिश हुई तो हमें टेस्टिंग का अच्छा इसमें सही मौका मिल जाएगा। हाँ, तो अब तक जितना मैंने इसको बारिश और विंटर में इतनी तेज़ हवा में बाइक वाइक को चला कर टेस्ट किया है, अब तक ये ग्लव काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में अभी तक मैंने इसको टेस्ट किया, बिकॉज़ बारिश अभी थोड़ी सी ड्रिजलिंग से हो रही है, बट आप देख ही सकते हो कि बारिश है अच्छी खासी। ऐसा नहीं लग रहा है कि ठंडी हवा आ रही है बाइक ग्लव्स के अंदर, तो बहुत ही सही परफॉर्म कर रहा है। चलो गाइस, सो बहुत ही जल्दी जल्दी से इस ग्लव्स का रिव्यू कर लेते जो मैंने अभी पहन रखा हुआ है। टेम्परेचर जब मैं निकला था उस टाइम पे था अराउंड लाइक 17-18 के आसपास, और ये जो ग्लव्स है इट्स अ वेरी स्पेशल वन बिकॉज ये वन ऑफ द बजट जो विंटर ग्लव्स है उनमें से एक है फ्रॉम अ कंपनी लोन रेंजर, और ये ब्लैक में है और मेरे ख्याल से और एक कलर में आता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट इज़, बट जो ये ग्लव्स है वो मुझे पड़ा था अराउंड 2100 का, 2100 में। ये ग्लव्स में इतने सारे फीचर है, इतने सारे फीचर है कि शायद इस ग्लव्स का प्राइस हो सकता था अराउंड 4 के आसपास, 3500 से 4000 के आसपास, बिकॉज ये ग्लव्स ना केवल वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ भी है, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेदर, टीपीयू एंड फैब्रिक, जो कि ड्राई डी वाला फैब्रिक है, दैट्स आई थिंक द फैब्रिक यूज्ड बाय लोन रेंजर, जो कि वाटर प्रूफ फैब्रिक है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, और ऊपर से इसके जो नकल में देख रहे हो आप, ये टीपीयू मोल्डेड कार्बन फाइबर फिनिश वाला मोल्ड है जो इसको बहुत ही अच्छा एक लुक देता है पूरा का पूरा, बड़ा ही क्लासिक सुंदर सा लुक है इसका। और इसके अलावा इसमें जो देख रहे हो ये पैडिंग वगैरह है, सो आप जाने पर आप बाइक वाइक चलाते हो तो आपका जो पाम है, पाम को रेस्टिंग के लिए एक जगह चाहिए होती है, अगर वो रेस्टिंग वाली जगह होगी जो ये देता है यहाँ पे, तो आपको बाइक चलाने में कंफर्ट होगी। और इसके जो मटेरियल है यार, मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी मटेरियल, इसमें लुक्स बहुत ही बढ़िया आ रहा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई इसको ख़रीदें आप, अगर आप एक्सपल्स ओनर हैं तो मतलब नहीं बनता कि भाई 8-10 हज़ार के ग्लव्स ख़रीद लो आप, राइट, क्योंकि बाइक ही उतना महंगा नहीं है, बाइक के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करोगे ना। हाँ, यू वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन थिंग्स, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, वाटर प्रूफिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, राइट, विंड प्रूफिंग में किसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जो कि सब कुछ ये ग्लव्स दे रहा है, तो वाई नॉट बाई दिस वन, राइट। अगर आप ऐसी जगह पे राइड कर रहे हो या फिर राइड करने वाले हो जहाँ पे विंटर है, ठंड है, बारिश होगी, वेट क्लाइमेट होगा, तो भाई ये बहुत ही मस्त है।